हमारे पास सबूत है, सरकार परीक्षा रद्द करे, नहीं तो फिर आंदोलन होगा, पटना की सड़कों पर छात्र ही छात्र नजर आएंगे। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 14 मार्च को छात्र नेता दिलीप ने एक वीडियो के जरिए ये घोषणा कर दिया था और ये बता दिया था कि पेपर लीक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ गिरोह सक्रिय थे, इसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप को मिल गई थी और यही हुआ भी। 15 तारीख यानी 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो पेपर हुए वो लीक मिला। इसके बाद तमाम अभ्यर्थी ये कहने लगे कि ये पेपर जो लीक हुआ कैंसिल किया जाए, लेकिन छात्र नेता दिलीप जो है अब सड़कों पे उतर चुके हैं। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि गिरोह जो है फिर से सक्रिय हो गया और परिणाम ये है कि पेपर लीक हो गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे छात्र नेता दिलीप से। दिलीप जी, आपने तो 14 तारीख को ही कह दिया था कि संभावनाएं है कि पेपर लीक हो सकते हैं, क्योंकि फिर से गिरोह जो है सक्रिय है और सक्रियता का परिणाम ये देख भी रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का माहौल था, हमें बिहार के हर जिले से फोन आ रहा था कि भाई हमारे लॉज का लड़का, हमारे रूममेट हमारा गायब है, मोबाइल ऑफ है, तो ये लोग सेटिंग कराने गया है, ऐसा मतलब है कि इसको कहीं रखा जाएगा और रात में एग्जाम से एक रात पहले आंसर रटवाया जाएगा। तो ये तो अभ्यर्थी लोग ही बता रहे थे हर जिला से। अब मान लीजिए आपके साथ कोई लहर रह रहा है 3 साल से, कोई 6 महीना से ही मान लीजिए, और वो उसका सेंटर भी आप ही के साथ है, आप ही के सेंटर पे है, साथ ही जाना है, और अचानक वो गायब हो गया एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले कोई, तो शक होगा ना। मोबाइल भी आपका ऑफ है, घर भी नहीं आप है, तो शक हुआ। तो इसी तरह का बात हर जिला से फोन आया, तो हमने भाई वीडियो बना के आगाह किया सबको, हमने बीपीएससी को भी सूचित किया, आर्थिक अपराध इकाई को भी सूचना दिया, बहुत जो भी सूचना थी सब दिया। और उसके बाद एग्जाम के दिन, कल ही एग्जाम था ना 15 तारीख को, तो एग्जाम के दिन जब क्वेश्चन ये व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों के पास था, अब इतने लोग माने तेज है, तेजस्वी है कि वो भर रात रटने के बाद भी एग्जाम हॉल में वो माने वो ऑप्शन देख के नहीं मार सकते थे, रुगुला नहीं रख सकते थे, इसलिए वो मोबाइल में रट रहे थे एग्जाम हॉल के बाहर भी। तो इसी में पोल खुला है। और ये तो 300 हजारीबाग में गिरफ्तार हुआ, बिहार के हर जिले में इस तरह से लोग किए हैं कि होटल में, रिसोर्ट में, विवाह भवन सब में रख के आंसर रटवाया गया है। ये बड़े पैमाने पे चला, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये इसकी जांच हो जाए, ये आंसर पूरा मैच कर गया। आर्थिक अपराध इकाई को एक व्यक्ति हमको फोन किया कि हमारे पास है, हमने कहा आर्थिक अपराध इकाई को आप भेज दीजिए, तो उन्होंने 1:24 पे भेज दिया, हमने उनके मोबाइल में आज खुद देखा भी है, उसके बाद हम ये चीज उजागर कर रहे हैं। तो 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया, हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन सर को और पूरे आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि उन लोगों ने हमारी सूचना पे त्वरित कार्रवाई किया और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये आपके पास जो पेपर है ये फर्स्ट सिटिंग का है या सेकंड सिटिंग? ये सेकंड शिफ्ट का है, 2:30 बजे एग्जाम था और ये 11:54 या 12 बजे से ही वायरल था, बहुत लोगों के पास था, लेकिन जो हमको बोला तो उन्होंने 1:24 पे, यानी परीक्षा से पहले ही हुआ। वीडियो के माध्यम से देखिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो तमाम दिलीप जी लिए हुए हैं और इनका कहना है कि ये सेकंड शिफ्ट का है और पूरा आंसर भी मैच कर गया है, जो क्वेश्चन आए थे उससे पूरा आंसर भी मैच कर गया है। तो क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि पहले TRE 3 की दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो और ये जो रंजीत नाम का व्यक्ति बीपीएससी ऑफिस के अंदर है उसको बाहर किया जाए, अमरेंद्र कुमार जो बीएसएससी का मेंबर है उसको बाहर किया जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच किया जाए और ये रंजीत के गैंग का कौन कौन लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर और बाहर है, अमरेंद्र कुमार के गैंग का कौन कौन लोग बीपीएससी ऑफिस या कोई भी ऑफिस में या बाहर है, कौन नेता है, कौन आईएएस आईपीएस है, सबकी जांच हो और सबके नामों का खुलासा हो। आप रंजीत की नाम ले रहे हैं लेकिन रंजीत पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं, किस बेस? हमारे पास सूचना जिस तरह से आया था ना कि पेपर लीक वाला, किस तरह, और हमारे पास जिस तरह सूचना 66वीं में आया था, 56वीं से 59वीं का बात है, 64वीं का बात है, 67वीं पेपर लीक के समय भी रंजीत का नाम आया था कि बीपीएससी का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो भी हो है जो इस सब काम में संलिप्त रहता है, करवाता है, करता है। अगर बात की जाए तो आपने 67वीं बीपीएससी का भी मामला सबसे पहले उठाया था पेपर लीक का और वो भी सही साबित हुआ, इस एग्जाम से पहले भी आपने आगाह कर दिया था, आखिर आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया जब आप पहले ही आगाह कर दिए? आयोग, आयोग के अंदर के लोग ही जब करप्ट हैं तो संज्ञान कौन लेगा? आयोग के अंदर के लोग ही ना है ये, तो रंजीत तो अंदर के लोग है, इस तरह के और भी लोग होंगे, तो इन लोग के मिली भगत होगी, इन लोगों ने पैसा के चक्कर में सिटिंग वेटिंग किया होगा, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि बगैर बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों की संलिप्तता की इतना बड़ा इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है। आज ईओयू के टीम जो है रिपोर्ट सौंपेगी बिहार सरकार को, क्या लगता है रद्द होगा परीक्षा या नहीं? देखिए, हमारे पास सबूत है, हम इतना जानते हैं,
हमारे पास सबूत है, सरकार परीक्षा रद्द करे, नहीं तो फिर आंदोलन होगा, पटना की सड़कों पर छात्र ही छात्र नजर आएंगे। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी गठबंधन की सरकार हो, कोई भी गठबंधन की सरकार रही बिहार में, पेपर लीक होता रहा और कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। सरकार को लाठी चलाना है चलाए, गोली चलाना है चलाए, हम लोग डरने वाले नहीं है। यानी रद्द होना ही चाहिए, रद्द होना चाहिए, परीक्षा रद्द हो और इन शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई हो। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, इनका सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी कीमत पे पेपर अब रद्द होना चाहिए, दोनों शिफ्ट का पेपर रद्द करने की मांग इन्होंने कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।